सो या गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर सिंपल रेसिपी विच इज़ रेड सॉस पास्ता। गाइस, आप सबको मैंने व्हाइट सॉस की रेसिपी दी थी तो आप सबको बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए मैं आज सबके लिए रेड सॉस पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ईजी है बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं। 5 to 6 प्याज ले लिए थे यहाँ पे मैंने, और 6 to 7 जो है यहाँ पे टमाटर ले लिए, जिनको अच्छे से प्योरी बना ली थी। और यहाँ पे मैंने गाजर और शिमला मिर्च ली है 1/2 कप। और यहाँ पे इटालियन पास्ता था जो मैंने बॉईल कर दिया है। अगर आपको बॉईल करने की रेसिपी चाहिए तो आप, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी, वहाँ पे चेक करके आप देख लेना कि कैसे बॉईल करते हैं पास्ता। और यहाँ पे कढ़ाई रख लेंगे और ऑयल गरम कर लेंगे। 1 स्पून बड़ा सा मैंने ऑयल का डाला था और गरम कर लिया था अच्छे से। और जो प्याज कट किया था वो इसमें ऐड कर लेंगे। और इनको बिल्कुल भी हमें पकाना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और जो हमने गाजर और शिमला मिर्च कट की थी वो भी हम उसी टाइम ऐड कर लेंगे। और इन तीनों को हम अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे, हमें इनको पकाना नहीं है, बिल्कुल भी सॉफ्ट होने देना है। बस 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे अच्छे से बनने में, उसके बाद ये रेडी हो जाता है। अब अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी अब हम वो ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर लेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। मैंने 1/2 कप जो है पानी ऐड किया था, इससे क्या होता है प्यूरी अच्छे से बन के रेडी होती है। अब मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड करूँगी। 1 स्पून जो है मैंने सॉल्ट ऐड किया था, 1 स्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, और थोड़ा सा मैंने मिक्स हर्ब भी ऐड किया था। आप चाहो तो ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हो। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, उसके बाद थोड़ी सी केचप ऐड की थी, और उसके बाद थोड़ा सा सेजवान सॉस ऐड किया था। बस अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और थोड़ी देर के लिए इसे पकने देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे इसको थोड़ा रेड करने के लिए यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो। अब जो सॉस थी इसकी रेडी हो गई है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से कलर आया है। और उसके बाद जो पास्ता बॉईल किया था वो हम ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो गाइस, अगर आप न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथ साथ कमेंट करके भी बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। और अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं ज़रूर आपके लिए वो लेके आऊँगी। अच्छे से मिक्स कर लिया है, और 3 से 4 मिनट के लिए ना मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया था। तो इसको हम सर्व कर लेंगे इसे। आप देख सकते हो कितना अच्छा जूसी सा रेड सॉस पास्ता बन के रेडी हो, सच में बहुत टेस्टी था ये। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना इसे। So if you like our video, don't forget to subscribe our channel and share with your friends and family. So yeah guys, see you in next video. Bye.